student today i will deliver the lecture on non aqueous titration with its solvents in my first lecture i delivered the lecture on acid base titration and non aqueous titration is also related the titration of acid and base but different in non aqueous titration we will titrate the weak acid and weak base what is non aqueous titration? Non aqueous titration is the titration of the substance dissolved in solvents other than water. When we discuss the acid base titration, the titration of a strong acid and a strong base, I've, uh, but uh, in the non aqueous titration, there is the titration occurs of non aqueous titration. विच इज इंक्लूडेड द वेरी वीक एसिड एंड वेरी वीक बेस द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस विद पार्क्लोरिक एसिड इन एंड हाइड्रस एसिटिक एसिड नॉन एक्सटाइट्रेशन और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में डिफरेंस ये है कि जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रांग एसिड और स्ट्रोंग बेस के टाइट्रेशन को पढ़ते हैं वीक एसिड और वीक बेक बेस के टाइट्रेशन को भी हमने पढ़ा था लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था जब न्यूट्रलाइजेशन कर्व की बात हुई थी एंड पॉइंट की बात की गई थी तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के में जो वीक एसिड और वीक बेस हैं वो एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो एक्वस सोलवेंट मीन्स वाटर में डिसोसिएट कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं तो इसीलिए हमें वीक एसिड और वीक बेस के लिए नॉन सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ता है और नॉन एक्व सॉल्वेंट से रिलेटेड जो टाइट्रेशन होता है वो कहलाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस ऑल ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस दैट आर इनसोल्यूबल इन वॉटर सोलिबल इन नॉन एक्वलवेंट जो एडवांटेज अगर हम देखते हैं नॉन एक्स टाइट्रेशन की तो अकॉर्डिंग टू द नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम वो ऑर्गेनिक एसिड और वो ऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं जो कि आपके वाटर में इन डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं और नॉन एक्वोलवेंट में डिसोसिएट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड विच इज़ ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ इन वाटर कैन बी टाइटरेटेड इजली इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसिस आर कैरीड आउट यूजिंग नॉन एक्सोल्वेंट टू गेट शार्प एंड पॉइंट तो वही बात है कि जो नॉन एक्सटाइट्रेशन है वो वीकली एसिड और वीकली बेसिक सब्सटेंस के लिए होता है जिसमें एंड पॉइंट शार्प एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर पाते हैं लेकिन जब हम वीक एसिड और वीक बेस को एक्ोसोलमेंट में डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने की वजह से शार्प एंड पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो द, आ, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है इन द नॉन एक्सटाइट्रेशन द मॉइस्चर कंटेंट इन नॉन एक्सोस्टाट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन पॉइंट 0.5 परसेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो अवॉइडेड इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड क्योंकि मॉइस्चर में क्या होता है वाटर ही एब्जॉर्ब होता है तो मॉइस्चर जो है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में पहले तो अवॉइड ही होना चाहिए और अगर है प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू सिर्फ पॉइंट जीरो फ़ाइव परसेंट ही होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी अवॉइड करना चाहिए इन द टाइट्रेशन ऑन ऑफ नॉन एक्वस

और वोलाटाइल होते हैं वोलाटाइल नेचर की वजह से सॉल्वेंट्स कैन पॉल्यूट इन्वामेंट क्योंकि वोलाटाइल होने की वजह से नॉन एक्सोलवेंट जो जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होने की वजह से वो पॉल्यूशन इन्वामेंट में पॉल्यूशन को जनरेट कर देते हैं इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर इन नॉन एक्वस मीडियम और जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज होते हैं उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है नॉन एक्वस मीडियम में मतलब वहां भी हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्योंकि पूरा टाइट्रेशन किस पर बेस कर रहा है सॉल्वेंट्स पे ठीक है तो एन नॉन एक्वस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच वॉटर इज नॉट द सॉल्वेंट तो पता ही है कि नॉन एक्वस्टाइटेशन में वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह नहीं लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्सल्यूशंस आर सोल्यूशंस यूज इन ड्राई क्लीनिंग जो कुछ आ, आपके नॉन एक्सोल्वेंट होते हैं उनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस में भी यूज होते हैं जैसे कि इथीन है इथीन को अगर हम डाई में डिजोल्व करते हैं डिसोसिएट करते हैं तो वो एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है कॉमन एग्जाम्पल्स आर Liquid ammonia, liquid sul uh, sulfur dioxide, sulfuric chloride, and sulfuric chloride fluoride, phosphoryl chloride, dinitrogen tetroxide, antimony tetrachloride, bromine, pentrafluoride, hydrogen fluoride, pure sulfuric acid, and other inorganic acid are involved as a non aqueous solvent. These are the common non aqueous solvent. Uh, नेक्स्ट नॉन एक्सो सॉल्वेंट्स आल्सो क्लासिफाई इन फोर टाइप्स फर्स्ट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट व्हाट वॉट इज ए प्रोटिक सोल्वेंट दीज आर न्यूट्रल इन नेचर एंड केमिकली इनर्ट जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं इनका पी एस होता है बिकॉज ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं कैमिकली इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करते और दूसरा दे ऑल्सो जनरली हैव लो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और इनका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी लो होता है एग्जाम्पल ऑफ द ए प्रोटिक सोल्वेंट इंक्लूड क्लोरोफोम एंड बेनजीन नेक्स्ट इज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स द प्रोटोफिलिक सोलवेंट हैव अ बेसिक कैरेक्टर एंड टेन टू रिएक्ट विद एसिड जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं और बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से उनका पीएच जो होता है अबव देन सेवन और इट बिहेव लाइक अ बेस नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्स्ट्रेट्रिशन तो यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं नॉन सॉल्वेंट्स को इन फोर टाइप्स फर्स्ट इज़ अ एप्रोटिक सॉल्वेंट। सोलवेंट दीज सॉल्वेंट्स आर न्यूट्रल इन चार्ज ये सॉल्वेंट जो होते हैं इनका जो पीएच होता है सेवन होता है और ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं दे आर केमिकली इनर्ट ऑल्सो ये किसी दूसरे सब्सटेंस के नहीं करते हैं और लो इनका जो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट होता है वो भी लो होता है द एग्जाम्पल्स ऑफ द ए प्रोटिक सोल्वेंट्स आर क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन सेकेंड इज द प्रोटोफिलिक सोल्वेंट प्रोटोफिलिक सोल्वेंट्स आर बिहेव एज अ बेस बिकॉज इट हैज अ बेसिक कैरेक्टर एंड इट हैज पी एच हायर देन सेवन एंड वेन इट कॉन्टेक्ट विद द एसिड इट फॉर्म द सोलवेटेड प्रोटोन Protophilic solvents are ammonia and pyridine. Next is a protogenic solvent, the protogenic solvents behave as a acidic character uh, and it uh, it have a levelling effect on the basis they come in contact with it. For examples of the protogenic solvent, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एसिड की तरह और इनका जो पीएच होता है वो लोअर देन सेवन होता है ये लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं व्हाट इज़ लेवलिंग इफेक्ट ये हम अभी आगे स्लाइड में देखेंगे उसके अलावा ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं तो तो इनका एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड नेक्स्ट है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट दीज सॉल्वेंट्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर प्रोटोफिलिक एज वेल एज प्रोटोजेनिक जो एम्फी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये दोनों तरह से बिहेव करते हैं लाइक एसिड और बेस तो इनके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होती है एज अ प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल्स एम्फी सॉल्वेंट्स आर डिसोसिएटेड टू अ स्लाइट एक्सटेंट द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज एज अ सोलवेंट फॉर टाइट्रेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंसेज इज शोन इन इक्वेशन इन दिस इक्वेशन हम देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट हो रहा है तो इट गिवस वन प्रोटोन एंड द एसिटेट आयन तो यहाँ ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है तो जो एसीटिक एसिड है वो दो तरह से बिहेव करता है इसीलिए इसको एम्फिप्रोटिक सॉल्वेंट में रखा गया कैसे दो तरह से बिहेव करता है क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द्रॉन्ट लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड डोनेट द प्रोटॉन तो यहाँ पर तो ये एज अ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन जब इसकी रिएक्शन हम परक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं मीन्स जब परक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होता है एसिटिक एसिड में और एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है तो वहाँ पे क्या होता है इफ़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज परक्लोरिक एसिड इज डिजोल्व इन एसिटिक एसिड द लेटर कैन फंक्शन एज अ बेस तो यहाँ एसिटिक एसिड जो होगा वो फंक्शन करेगा एज अ बेस की तरह कैसे करेगा अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे एंड कंबाइन विद प्रोटोन्स डोनेटेड बाय द परक्लोरिक एसिड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एसिडिक एसिड एंड ओनियम आयन दिस इज द एग्जाम्पल परक्लोरिक एसिड डिसोसिएट इन एच प्लस एंड क्लोरेट आयन इन द सॉल्वेंट ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड टेक द प्रोटोन विद द परक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म द ओनियम आयन सो इन देयर एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस हाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सटल कॉन्सेप्ट बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। तो हम यहाँ देखेंगे कि एसिटिक एसिड क्या कर रहा है परक्लोरिक एसिड के प्रोटोन को लेकर ओनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है वॉट इज ओनियम आयन जब एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मला होता है सी एस थ्री सी ओ एच ओके okay, अब इसमें एक एच एक्स्ट्रा मतलब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इट फॉर्म द ओनियम आयन दिस इज द ओनियम आयन रेडली डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू तो अ बेस अब इसके बाद जब एसिटिक एसिड आसे, परक्लोरिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड आसेट में फिर से हम डिसोसिएट कराएंगे तो वहाँ पर एसिटिक एसिड आसेट जो होगा फिर से एज अ एसिड की तरह बिहेव करेगा और अपना जो भी ओनियम आयन जो उसके पास एक, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसको डोनेट कर देगा नेक्स्ट अभी हमने आ, आ, पहले वर्ड यूज किया था लेवलिंग इफेक्ट तो व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट लेवलिंग इफेक्ट और लेबलिंग सॉल्वेंट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस लेवलिंग इफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है इट इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द एसिड एंड बेस क्या होता है जब हम स्ट्रॉन्ग वीक एसिड लेते हैं और वीक एसिड को डिसोसिएट कराते हैं किसी सॉल्वेंट में तो वो सॉल्वेंट जो आ, क्या होता है एज अ बेस की तरह वर्क करता है जब बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है तो उसको डिसोसिएट करने के लिए जो सॉल्वेंट होता है वो बेस की तरह वर्क करता है और जो आ, वीक एसिड है उसको अपनी तरफ लेके उसके प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है खींच के उसको डिसोसिएट कराता है तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट बेस uh, की तरह वर्क कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है अपना अपनी कॉन्सेंट्रेशन और जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको सेम लेवल पे ला रहा है क्योंकि टाइट्रेशन में क्या होता है टाइट्रेशन के प्रोसेस में जो भी टाइट्रेंट है और टाइट्रेट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए तभी कॉन्सेंट्रेशन सेम होकर ही वो इक्विवेलेंस पॉइंट देते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ बेस या एसिड जब हम बहुत ज़्यादा वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है उसके अगेंस्ट एज अ स्ट्रोंग की तरह वर्क करता है अगर हमने वीक एसिड लिया है तो जो सॉल्वेंट होगा वो स्ट्रांग बेस की तरह वर्क करके उसको कंप्लीटली डिसोसिएट करा के दोनों के लेवल को मेंटेन करेगा कॉन्सेंट्रेशन को सेम करेगा और टाइट्रेशन को एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेगा ऐसे ही अगर हमने वीक बेस लिया है तो एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह स्ट्रांग एस एसिड की तरह वर्क करके वहाँ से बेस को डोनेट कर देगा प्रोटॉन और लेवल को मेंटेन करके एक लेवलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा तो लेवलिंग इफेक्ट में क्या होता है जो सॉल्वेंट होता है वो जो भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है स्ट्रेंथ बढ़ेगा तभी तो क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो उनके डिसोसिएशन पर ही डिपेंड करती है जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा एसिड और बेस का उतने ही एसिड और बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतने ही एसिड और बेस स्ट्रांग होंगे क्योंकि जितना स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस है उन्हीं का डिसोसिएशन कंप्लीट होता है जितना वीक होता जाता है एसिड और बेस उनका डिसोसिएशन कम होता जाता है और जो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं उनका तो हो नहीं पाता तो उनके लिए हमें लेवलिंग सॉल्वेंट्स यूज पड़ते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज लिमिटेड तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी है उसकी आ, basicity किस पे डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट पे और स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी भी बेसिसिटी पे डिपेंड किस कर रही है सॉल्वेंट पे तो नेक्स्ट लेबलिंग सॉल्वेंट इन स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एसिड्स एक्ट एज इफ देवर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ सिमिलरली इन द स्ट्रॉन्ग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट ऑल बेसिस एक्ट एज इफ देवर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ सॉल्वेंट विच एक्ट इन दिस वे आर नोन एज लेवलिंग सोलवेंट तो अगर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो है दोनों ही एज अ लेलिंग की तरह वर्क कर सकते हैं उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग differ, सॉल्वेंट uh, जो होता है वो जस्ट इसका लेबलिंग सॉल्वेंट का ऑपोजिट होता है उसमें एसिड और बेस एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं नाउ द डिफरेंस बिट्वीन एक्वस्ट्रट्रेशन और नॉन एक्वस्ट्राइट्रेशन तो हम पहले ही बता चुके हैं और नॉन में में क्या डिफरेंस है में हम वाटर का यूज करते हैं और वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डिसोसिएशन होता है लेकिन नॉन एक्वरेशन में वाटर नहीं लेते हैं यहाँ वीक एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन होता है नेक्स्ट इंडिकेटर यूज इन नॉन एक्वाइट्रेशन सो आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इसके अलावा और भी हम यूज कर सकते हैं बट अभी हम जो जनरली कॉमन यूज करते हैं वो इंडिकेटर देख रहे हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट यूज एज ए इंडिकेटर एंड इट विल बी प्रिपेयर पॉइंट फाइव परसेंट इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इट विल कलर चेंज इन बेसिक मीडियम इन वॉयलेट कलर एंड इन न्यूट्रल मीडियम इट प्रोड्यूज ब्लू टू ग्रीन कलर ऐसे ही नेप्थोल बेंजीन लेंगे A, it will prepare 0 0.2 percent in glacial acetic acid it will change in basic medium the color blue or blue green and in the neutral medium it produce orange color uh, oracle blue it will prepare 0 0.5 percent in glacial acetic acid and it will produce uh, blue color in basic medium and in neutral medium it produce purple color now, वी विल डिस्कस अबाउट द लेवलिंग इफेक्ट तो अभी मैं, आ, हमने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज़ किया था लेवलिंग इफेक्ट तो वॉट इज़ लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और एसिड जो होता है बहुत आ, वीक होता है और हम वहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या होता है एक स्ट्रोंग बेस की तरह वर्क करता है वो क्या करेगा जो बहुत ज्यादा वीक एसिड होंगे उसको डिसोसिएट करने के लिए उसके प्रोटोन को अपनी तरफ लेगा मतलब उसके प्रोटॉन को लेकर वो एसिड को कंप्लीटली डिसोसिएट कराएगा तो वहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या किस तरह वर्क कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह तो क्या करेगा बेस का काम मतलब जो सॉल्वेंट है उसका वर्क क्या हुआ एज अ मेंटेन द लेवल मतलब लेवल को मेंटेन करेगा कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा तो इसी तरह क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा वीक बेस लेते हैं तो बेस भी जब जो सॉल्वेंट पे डिसोसिएट किया जाता है जिस सॉल्वेंट पे वो एज अ स्ट्रोंग एसिड की तरह वर्क करता है वो क्या करेगा अपने प्रोटॉन को देगा प्रोटॉन को देकर जो भी आपका बेस है उसको कम्प्लीटली डिसोसिएट कराएगा तो जो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस को सॉल्वेंट डिसोसिएट कराते हैं वो क्या करते हैं एक तरह से लेवल को मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं जब बाद हम करते हैं स्ट्रॉ वीक एसिड की तो वहाँ जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है वो क्या करता है एसिड और बेस की जो लेवल होता है कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको इक्वल करता है क्योंकि टाइट्रेशन में क्या होता है जब टाइट्रेंट और टाइट्रेट दोनों एक दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन जो दोनों की इक्वल हो जाती है तो इक्विवेलेंस पॉइंट जनरेट होता है और वहीं पर एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है तो इसी तरह नॉन एक्स टाइट्रेशन में जो सॉल्वेंट वीक एसिड या वीक बेस को कम्प्लीटली डिसोसिएट कराने में हेल्प करता है तो वो आपका लेवलिंग सॉल्वेंट होता है मतलब वो लेवल को और कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है तो अगर हम वेरी वीक एसिड लेते हैं तो strong, जो सॉल्वेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है अगर हम वीक बेस लेते हैं तो सॉल्वेंट स्ट्रांग एसिड की तरह वर्क करता है तो ये जो इससे जो लेवल इफेक्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट और द सोल्वेंट इज कॉल्ड लेवलिंग सोलवेंट द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लिमिटेड बाय द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड सिमिलरली द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस इज लेवल्ड बाय द एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट तो जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है लेवलिंग सॉल्वेंट पे क्योंकि जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएट होता है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है लेकिन अगर वीक एसिड है और वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है और कोई सॉल्वेंट उसको हेल्प कर रहा है डिसोसिएट कराने के लिए कंप्लीटली तो वहां पर वो उसके लेवल को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है एसिड जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ बढ़े इसी तरह बेस के लिए होता है अगर वीक बेस है और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है तो जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रोंग एसिड की तरह वर्क करके बेस की वीक बेस की इस लेवल को बढ़ा रहा है लेवल बढ़ाने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ उसका डिसोसिएशन हो रहा है और वहां पर दोनों एक सेम लेवल पे आकर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं तो इस दोनों की स्ट्रेंथ किससे बढ़ रही है लेवलिंग सॉल्वेंट से तो सिमिलरली बोथ आर रिएक्ट बोथ आर एक्ट एज लेवलिंग सॉल्वेंट लेवलिंग सॉल्वेंट इन स्ट्रांग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ऑल एसिड्स एक्ट एज इफ दे वर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ सिमिलरली इन स्ट्रांग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, ऑल बेस एक्ट एज इफ दे वर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ तो दोनों ही सॉल्वेंट एज अ वर्क करते हैं अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हम यूज करेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट के लिए अगर हम वीक बेस की बात करते हैं तो वहाँ हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे वीक एसिड के लिए वीक बेस के लिए तो इस तरह से प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह वर्क करते हैं और लेवलिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं नेक्स्ट आता है डिफरेंसी सॉल्वेंट सोलवेंट सॉल्वेंट का मतलब है दोनों ही एसिड और वेस वीक कंडीशन में होते हैं और उनकी कॉन्सनट्रेशन उनका जो लेवल होता है वो डिफरेंशिएट डिफरेंट होता है इसलिए इनको हम डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्स और नॉन एक्वसटैट्रेशन तो द सोल्यूशन मेड बाय डिजोलविंग वेरियस सोलवेंट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्व सोल्यूशन मतलब जहाँ हम वॉटर का यूज कर रहे हैं एक्वस मीडिया का यूज कर रहे हैं वो आपका एक्व सोल्यूशन कहलाएगा एक्वस्टाइट्रेशन कहलाएगा और जहां हम वाटर की जगह किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना प्रेजेंट हो वो आपका नॉन एक्व सोल्यूशन और नॉन एक्वेट्रेशन कराएगा द दोल्यूशन मेड बायिंग सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड और सॉल्वेंट विच डू नॉट कंटेन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्व सोल्यूशन द मेन एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एक्व सोल्यूशन एंड लिक्विड इज दैट a uh, liquid is a state of matter which has some typical characteristics which distinguishes it from other states of matter that is solid and gases whereas an uh, uh, aqueous solution is a solution where the solvent is water which is a liquid and some other solvents वाटर इंफ्रेंस इन नॉन एक्सटाइट्रेशन नॉन एक्सटाइट्रेशन में वाटर का इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है द नीड फॉर द नॉन एक्सटाइट्रेशन अराइज वाटर कैन बिहेव एज अ वीक बेस एंड अ वीक एसिड एज वेल एंड कैन हिंस कॉम्पीट इन प्रोटोन एक्सेप्टेंस और प्रोटोन डोनेशन विद अदर वीक एसिड एंड बेसिस डिजॉल्व इन एट जब हमें प्रोटोन को एक्सेप्ट या प्रोटोन को डोनेट कराना होता है तो वहां पर वाटर का इंटरफेरेंस थोड़ा होता है इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में नेक्स्ट वॉट विच टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज इन नॉन एक्सट्रेशन इन देर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज इन नॉन लाइक क्रिस्टल वॉयट इट विल प्रिपेयर पॉइंट फाइव परसेंट इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नॉन एक्सटाइट में इंडिकेटर uh, यूज होते हैं वो भी नॉन एक्वस मीडिया में ही डिजोल्व किए जाते हैं डिसोसिएट किए जाते हैं तो यहाँ क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो पॉइंट फाइव परसेंट ग्लेशियल एसिटिक एसिड में प्रिपेयर किया गया है जो कि नॉन एक्ो सॉल्वेंट है और अगर हम कलर की बात करें तो इट विल गिव वॉयलेट कलर इन बेसिक मीडियम एंड ब्लू ग्रीन कलर इन न्यूट्रल मीडियम नेक्स्ट इज नैफ्थोल बेंजीन इट विल प्रिपेयर 0.2% इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इट विल प्रोड्यूस Uh, blue or blue green color in basic medium and orange color in neutral medium. Next is oracled blue, it will prepare 0.5 percent in glacial acetic acid, it will produce blue color in basic medium and purple color in neutral medium. Now, this is the video for overall about the non-aqueous titration.